नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। विद्या प्रगति एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा संचालित वैभव कॉन्वेंट स्कूल बल्लारपुर में 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर स्कूल के संस्थापक व अध्यक्ष हेमंत मानकर सर, संस्था सचिव एवं संस्थापिका रजिया खान मैडम, स्कूल की संचालिका सुरेखा पांडे मैडम, स्कूल के प्रधानाचार्य विजय शिंदे, व्यवस्थापन समिति के सदस्य फरजाना शेख मैडम, गणमान्य पालकगण, समस्त अध्यापक अध्यापिका वृद्ध एवं विद्यार्थीगण प्रमुख रूप से मौजूद थे। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं मोमबत्तियां जलाकर अभिवादन किया गया। महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के द्वारा त्रिशरण एवं पंचशील भी लिया गया तथा 1 मिनट तक मौन रखा गया। वैभव कॉन्वेंट स्कूल की संचालिका सुरेखा मिश्रा ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन के बारे में छात्रों को बताया। स्कूल के मुख्य अध्यापक विजय शिंदे ने छात्रों को संविधान निर्माण में डॉक्टर बाबा साहेब के योगदान के बारे में जानकारी दी। शिक्षिका सौ वैशाली त्रिपुड़े मैडम ने बाबा साहब की याद में सुंदर सा भीम गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका विनीता रंगारी द्वारा तथा आभार प्रस्ताव शिक्षिका शिल्पा देशभ्रतार मैडम ने किया। देखिए जगत न्यूज 24 महाराष्ट्र के चंद्रपुर से रमेश निषाद, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। और उन्होंने सबसे पहला महत्व शिक्षा के लिए दिया गया है। आप जब भी देखोगे तो उन्होंने शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को गरीबी से अमीर की ओर लेकर जा सकता है। क्या केवल धन संपदा होने से ही व्यक्ति अमीर कहलाता है? नहीं, गुणवत्ता ज्ञान होना भी अनिवार्य होता है। तो ऐसे भीमराव अम्बेडकर जी आज उनके महापरिनिर्वाण के दिवस पर हम यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर सभी उपस्थित शिक्षक गण, मैं ऐसा चाहूंगा कि आज जो हमारे सिलेबस में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सिर्फ इतिहास की पुस्तक तक ही सीमित है, तो ऐसे हमें सभी बच्चों तक उनके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। आप रिसेंटली भी देखोगे कि कोई भी ऐसे फेमस पर्सनलिटी स्टैचू हमारे कोर्ट में नहीं लगा हुआ है एक्सेप्टेड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। आपने भी अखबार में पढ़ा होगा कि अभी उनका अनावरण हुआ है पुतले का, तो उनका स्टैचू कहाँ पर लगाया है, कौन से कोर्ट में। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।